हाँ जी गाइस, आज हम सीखेंगे हाउ टू स्टे ऑन अ बीट। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ऑफ बीट चले जाते हैं, तो हाउ टू स्टे ऑन अ बीट हमें सबसे पहली चीज़ है वावल की जानकारी। वावल क्या होते हैं, जैसे कि ये मैंने शब्द बोला ना, ये का लास्ट वाला कैसे साउंड कर रहा है ए, जब मैंने राह बोला राह का लास्ट वाला कैसे साउंड कर रहा है आह, तो इनको वावल कहते हैं। और आपको बीट लगा के ना, बीट पे पहले काउंट करना सीखना है, जैसे 1 2 3 4, और फास्ट भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए वीडियो में ये बीट की एक बार है, 1 2 3 4, क्योंकि काउंटिंग में तो बहुत सिंपल है, कोई शब्द भी नहीं है, पहले पहले आपने काउंटिंग करनी है, फिर आपने इसमें शब्द डालने शुरू कर सकते हैं। जैसे पहले आसान चीज शब्द डाले, जैसे ना 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 ना, शब्द भी डाल सकते हैं, जैसे आ ई ए ओ आ ई ए ओ। 4 5 दिन बस बीट लगा के ये प्रैक्टिस कीजिए, तो बीट पे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई केम फ्रॉम अ बॉटम, आई स्टे ऑन अ टॉप, तू पेट पीछे बोले मैं तेरा बाप। मेन बीट पकड़ के रखनी है, ठीक है। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीजिए आ ई ए ओ आ ई ए ओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यही वॉबल्स को हम रियल लिरिक्स में गा के देखते हैं। नवा आया सी मैं शहर मोहाली विच, सीधा साधा मुंडा पट तक कुराली विच, मेरे वर्गे तू चक्की फेर दी 40, सट मारी जिमें चल दी दनाली। कैसे आपने सुना, जो लास्ट वाले जो ई, जैसे मोहाली विच कुराली विच, ये लास्ट शब्द थे मेरे ना राइम के, चल दी दुनाली ई, ये वावल शब्द होते हैं सभी जो एंड में होते हैं, पर बीट पे हिट कर रहे थे। बीट क्या होती है, जैसे ये बीट का लास्ट जो ड्रम पोर्शन होता है ना, उस पे आपका लास्ट वाला राइम हिट करना चाहिए। इसको कहते हैं कि प्लेसिंग अ वावल ऑन ईच ऑफ 4 बीट्स, ठीक है। तो इस पे आपको लास्ट वाले शब्द बस प्लेस करने हैं। ये सिंपल रूल यही रखना है कि पहले जुड़ी नहीं है शब्दों को डालना है, पहले स्केटिंग करनी है, जब वॉबल का गा के देखने हैं, ना 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 ना। तो इससे भी आसान तरीका है, पहले 1 2 3 4 स्लो करके देखा, साथ ही फास्ट वाला करके देखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पर इसको आपको बीट के साथ मैच करना है पहले, ये जो हम कर रहे हैं ना, फिर आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप बाद में शब्द बीट पे फिट कीजिए, गा के देखिए बार बार, पहली बार नहीं फिट हो रहा दूसरी बार फिट कीजिए, 5 10 10 बार ही फिट करके देखिए, स्लो स्पीड में करके देखिए, फास्ट स्पीड में करके देखिए, इससे आप बीट पकड़ना सीख जाएंगे जल्दी। इस ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आएगा आपको। थैंक यू गाइस, टेक केयर।